जनपद बांदा की बबेरू तहसील क्षेत्र के विकास खंड कमासिन में आज आदर्श ग्रामीण उत्थान समिति द्वारा नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस नेत्र शिविर में कुल 282 मरीजों का परीक्षण किया गया। 6 शादी फॉलोअप के अंतर्गत 48 मरीजों को चश्मा दिया गया। मोतियाबिंद के 63 मरीज चिन्हित किए गए। बांदा से प्रभंजन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, आज यहाँ पर किस प्रकार का कैंप लगाया गया है और क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है कैंप के माध्यम से? सर, मैं सर्वप्रथम बता दूँ आपको, हम लोग परम पूज्य स्वामी रसमोदास जी महाराज की शाखा सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय जालवी उचित महाविद्यालय है। सर, यहाँ पर प्रत्येक माह की 20 तारीख को आपके क्षेत्र कमासिन में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में हमारे जी यादव जी जो यहाँ पे सामाजिक उत्थान समिति के अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से टाइम लगता है और हम लोग सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय से आते हैं और सुबह 9 बजे से आप यहाँ पर प्रत्येक 20 तारीख को जांच होती है। 1 बजे तक जांच करने के बाद जिनको जांच के दौरान मोतियाबिंद पाया जाएगा उन मरीजों को भर्ती करके हम लेस प्रत्यारोपण हेतु चित्रकूट ले जाएंगे। आज कितने मरीजों का नेत्र परीक्षण किया गया? सर, 9 बजे से 1 बजे तक में पंजीकरण में 122 मरीजों का परीक्षण किया गया, जिसमें से लगभग 38 मरीज मोतियाबिंद में भर्ती किए गए। ऐसे मरीजों को कहाँ ले जाते हैं? इनको सर, हम अपने स्थानीय सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय जालवी उचित को ले जाएंगे, वहाँ पर निःशुल्क लेंस लगाएंगे। लेंस प्रत्यारोपण के बाद इनको यहीं पर शीघ्र स्थान पुनः वापस भेजेंगे। ये सब सेवाएँ सद्गुरु महाराज के अध्यक्ष द्वारा चिकित्सालय वाहन द्वारा इनको निःशुल्क ले जाएंगे, सब निःशुल्क सेवाएँ। आपका शुभ नाम? पंकज गुप्ता, नेत्र परीक्षण अधिकारी। सर, आपका परिचय? डॉक्टर के यादव। आज इस कैंप के माध्यम से आपके द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों को क्या सेवाएं दी जा रही हैं, क्या प्रशिक्षण दिया गया आपके द्वारा? बहुत अच्छा सहयोग किया हमारे जानवी चिकित्सालय की पार्टी ने, बहुत अच्छा सहयोग रहा मरीजों के लिए और हम अपने माध्यम से योग के माध्यम से रोशनी कैसे बढ़े, आँखों की सुरक्षा कैसे की जा सकती है या शुगर के मरीजों को कौन सा आसन किया जाए, जैसे मरकट आसन है, धनुरासन है ना, मरकट आसन हो गया, धनुरासन हो गया, मंडूक आसन हो गया, ऐसे ऐसे आसनों के माध्यम से शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। कितनी सेवाएं हमने मरीजों को। चलिए, धन्यवाद सर।